मऊगंज जिले के अष्टभुजा माता मंदिर नईगढ़ी में निर्माणाधीन भवन के निर्माण की जांच करने के लिए पहुंची संभागीय टीम। आपको बता दें कि मऊगंज जिला अंतर्गत आने वाले नगर परिषद नईगढ़ी स्थित ऐतिहासिक अष्टभुजा धाम माता मंदिर परिसर में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे बहुउद्देशीय भवन की जाँच करने संभाग की टीम नईगढ़ी पहुंची। निर्माणाधीन भवन का औचक निरीक्षण करने पहुंचे कार्यपालन यंत्री नगरी प्रशासन आवास एवं विकास विभाग रीवा हरिशंकर मिश्र एवं सहायक कार्यपालन यंत्री नगरी प्रशासन विभाग रीवा आनंद सिंह निर्माणाधीन भवन का जायजा लेकर वहां उपस्थित निर्माण एजेंसी के संविदाकार नगरी निकाय के इंजीनियर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं चर्चा के दौरान निरीक्षण टीम ने बताया कि 3 माह पूर्व कार्य कुछ रुका हुआ था, इसकी जानकारी लगी, संविदाकार से चर्चा कर शीघ्र निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। अब कार्य आवास एवं विकास विभाग रीवा संभाग रीवा हरिशंकर मिश्र द्वारा बताया गया कि बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कार्य बेहतर स्थिति में चल रहा है। नवीन सत्र 2024 के प्रथम महीने तक लोकार्पित करने की कार्य योजना है। आपको बता दें कि ये करीब 1 करोड़ की लागत से इस बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। सर, आप अष्टभुजी माता मंदिर में बंद है बहुउद्देशीय भवन के निरीक्षण में आए हैं, सर क्या स्थितियां पाई गई? सर नहीं, ये तो बिल्डिंग तो काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी, अधूरी पड़ी थी, बीच में आए थे 2-3 महीने पहले, तो इसमें कई कामों सुधार के लिए हमने निर्देश दिया था, काम सुधर गया। बाउंड्री है, रेलिंग है, इसके ऊपर सीढ़ी आइटम में नहीं था, कुछ रिवाइज के लिए हमने सुधार के लिए निर्देश दिए हैं, जैसे हो जाता तो ये महीने 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी।